दो महीना अजीम से बद पची इनके तमाम इंसान बराबर बना से बच्चे जरूर अपना शोर ही गामल आकर मिल शाम को इसे अकल का दुनिया हासिल कर दू और शाम को इसे अकल का दुनिया ना आकर इसको हासिल रबना आखिर में दुनिया हसन तो फिर आखिरत खुद में मिजदा बन ये अकल का दुनिया को सर कोई आबाद और ये अकल को कोई आखिरत को सर आबाद लेकिन अक्सरियत खुशी पूरे अकल जरिए दुनिया का हासिल भी खुशी दुनिया में माशाल्लाह बड़े बड़े मकामात बड़ी दौलत बड़ी जायदाद ये सब अकल की वजह से अकल ना होता तो कहां से ये चीजें होनी थी अकल ना हो तो ये बड़ी जायदाद और ये बड़े मकामात ये बड़े ओहदे ये कहां होने थे अगर है तो वजह अकल है लेकिन इस अकल को यहां पे इस्तेमाल किया और आखिरत के लिए उसने इस अपने अकल जैसे ताकत को इस्तेमाल नहीं किया इसके वजह से वो क्या हुआ दुनिया तो उसके हाथ पर जाहिर आ गई लेकिन आखिरत हाथ से निकल गई लिहाजा ये हकीकतन खसरा दुनिया वाला आखिरत में मिजदाक बना अगर अकल और शोर को हम बड़े काल में लें और जान को नसीब गुमराही नुबई जो तबाही बढ़ना लेकिन गरज समय अकल और शोर को इस्तेमाल बस खो अहले नजात न सुन को लोग लोग से सही नामी को लोग लोग से दीनी को उस पर कौन कौन न कौन की वजह कामयाब हो मिसाल के तौर शायद वास्तव में सी लोग एक दिन उसे लेकर जरूर तू शायद मेरे जहन में आया कि फजल इब्न अय्यास को छोटा डाकू इंटरव्यू सुनने जो को टारगेट जैसे नहीं सर नाम सा दसों से डाका काम कर देवी फलानी नाम देवी फलानी दुकान दसों बसे बस प्रोग्राम से डाक्टर को सिटी के नाम को टारगेट से के देवी को नाम सो से डाका था संजय दगा दिख सकता और सहर वापो करीब पड़े का थोन थोन ना साहब खाने से संध्या जब बेस निशुल रखो तिलावत देने से कुरान तिलावत और इत्तेफाक दे आयत पे लोग तो नहीं चुके अलम यानी बिल लगीन आमन अंतर्शा को लोग हम ले सकते मोमिन को इसमें को नरम सोमिया का को आया यानी इन मोमिन इधर लेकिन इसमें को संगदिल पत्थर दिल बेरहम सांगन नती बनी सु बेरहम कुछ नहीं रुका रहे हैं मैं इनमें जो मती बरी तो मोमिन को नहीं बरी दे रहे हैं शकील कार कसावत कालवे इन मोमिन कुरान इधर आया मोमिन को नहीं दे वक्त पहुंचेगा दासन को इस दिन को नरम के वक्त पहुंचेगा आया वो वक्त नहीं पहुंचे कभी मोमिन के दिल अल्लाह के लिए नरम हो जाए जिक्र इलाही उनके दिलों को नरम कर दें जिक्र इलाही उनके दिलों में खौफ पैदा करें आया वो वक्त नहीं आया जिस तरह अभी हमारा वो वक्त नहीं आया कि जिक्र इलाही खौफ इलाही हमारे दिलों को नरम करे हमारे अंदर भी बहुत संग दिल और जनाब पत्थर दिल के लोग मौजूद है अभी है तो कुरान क्या कहते हैं अभी ये ईमान तुझ पर असर नहीं हुआ अभी ईमान ने तेरे ऊपर असर नहीं किया कैसा ईमान लेके फिर रहा है जो तेरे दिल पर असर नहीं करता कैसा ईमान लेके फिरते और घूमते हो जो ईमान तुझे गुनाह से नहीं बचाता जो ईमान तुझे जोर से नहीं बचाता हसद से नहीं बचाता जुल्म से गाल के कसम ईमान पर भाई ईमान लाने का मतलब ही यही था कि तू इन जुल्म से गुनाहों से बाहर आ जाए ईमान आने का असल मकसद यह है कि अभी हम ईमान लाने वाले अभी जो हमारे दिल नरम नहीं हुए हमारे दिलों में अभी भी सख्ती है अभी पत्थर दिल अभी भी किसी का हक खाकर हमें रहम नहीं आ रहा अभी भी दस दस साल आठ आठ दस दस साल किसी को उधार देकर दिलों में रहम नहीं आ रहा
किसी का हक खाकर रहम नहीं आ रहा, किसी पर जुल्म करके रहम नहीं आ रहा। ये कैसा है ईमान है? इसका मतलब कि ईमान अभी हमारे दिलों में आया ही नहीं है, हमारे दिलों में अभी जागुसिन हुआ ही नहीं है। ऐसा ईमान जो उसे सिरात अल मुस्तकीम पर साबित कदम रखे, हक के रास्ते पर साबित रखने वाला ईमान अभी तो आया ही नहीं, अभी बस फिर रहे हैं। हम मोमिन है, शिया है, बस फिर रहे, यही कहते अपने आप को तसल्ली देके फिर रहे। दिलों में अगर ईमान पुख्ता होना जी, बात में तवज्जो से, अगर दिलों में ईमान पुख्ता हो तो इसका इजहार आंखों से, हाथों से, जबान से, पांव से होता ही होता है। सवाल नहीं पैदा होता कि पुख्ता ईमान हो और उसका इजहार ना हो। उसका इजहार उसके हाथ, उसका उजा, उसके पांव, उसकी आंखें, उसके चार चरण, उसका गुफ्तार पुरा खुद ब खुद सुबूत बन जाता है कि इसके दिल में ईमान पक्का है, इसके दिल में ईमान पुख्ता है। लेकिन ब्रदर अजीज, न किसी का हक का पता है, न जुल्म ज्यादती, सब कुछ हो रहा है माशरे के अंदर। ये खुद सबूत है, दलील है कि ईमान अभी पुख्ता नहीं है, ईमान मजबूत नहीं है। गुनाहों से रोकने वाला ईमान अभी दिलों में नहीं उतरा, अभी दिलों में नहीं उतरा, और पता नहीं कब उतरेगा। अगर अभी ना उतारे, अगर इन मजलिसों में आकर सुनकर अगर ईमान को दिलों में ना उतारे तो इसका रिजल्ट इतना खतरनाक निकलेगा इस माशरे के अंदर कि हर बात लड़ाई पे खत्म होगी, हर बात खून खराबे पे खत्म होगी, फिर हर बात फसाद पे खत्म होगी, फिर हर बात समझ लीजिए तबाही पर खत्म होगी। अगर ईमान, ईमान एक गांव के अंदर प्यार और मोहब्बत की फिजा को कायम करता है, ईमान दूसरों के हुकूक का ख्याल रखता है, ईमान इस तमाम उमूर को कुरान की नजर से देखता है। और अगर ईमान ना हो कुछ भी, यही बेईमानी हमारी कम है, नरकों को तंग से आप नरकों को तंग से छोड़ना बाजार के साथ कोई बात नहीं पुता से, लेकिन लेकिन कतरा कतरा है ना जी, पानी को हम कहते हैं कतरा कतरा। ये जो 10 मिनट आधा घंटा घंटा जो पाइप तूने छोड़ के रखा है, उस एक घंटे के अंदर शायरी देखो कतरा में इसने करोड़ों कतरा तो गिरा होगा, वो तो एक शक्ल में आ रहा है ना जी। अगर कतरे कतरे होने का मतलब घंटा जी पाइप है सारे दिन को कतरे हिसाब से बहन रहे, करोड़ तो कतरा होगा उसमें, होगा नहीं होगा। यह करोड़ों, इसी तरह करोड़ों कतरों का जवाब देने के लिए अपने आप को तैयार करो हंस के मैदान माशा ही नहीं छुपता से छोड़ो ना पानी छोड़ो। खुदा काबिल ही नहीं, तुमने खुदा को काबिल समझे? ये छिट आने की जिंदगी, ये छिट यानेगी बांग न नोरी जिंदगी, ये छिट यानेगी ताजी न झिगी जिंदगी। यो तो सी बन सोना नता सशेन बान नो सशेन ताजी सस्कर दिन जी को सस्कर दिन कभी मैं नजर मुझे आवाज में बोल रहे यार, यानी नी जिंदगी की बांध हो रही जिंदगी इस संख्या की जिंदगी जिस पानी पर है, उस पानी को जिस बेतरेज जाया कर रहे हो ना, इसका आप लोगों को क्यामत के दिन एक कतरे का हिसाब देना पड़ेगा। अब तक रिवायत छु मामू फुटता से ऐसे बेस्ट वजू वजू में वजू वजू में यहां से वजू खानी सर माजी ने स्वर फुटता से जबकि इस्लामी चीज है इस्लामी जर है चुल्लू सुम खिले वजू से ही चुल्लू सुम पानी यही बच खोल लो उगोए तो देखा जेल आप जेल आप लोग जान आप लोग
चल अपना सिर को सुन चलो सुन देना मुस्तहबी तौरी का चढ़ भी दूसरी मत तो भैया खुदा ने चुप खुदा ने चुप पुता से योजे जाहिर से चुप वजू लाने क्योंकि तू वजू पानी जाया करा तेरा वजू वजू नहीं है जो पानी को बेहतरीन इस्तेमाल कर वरना मत माशी नु पुता से ये यहां की बात नहीं कर रहे पुरस् कर दो बलसान पूरे ही आलम है चाहे बना छुड़ गिरो मैं आइंदा छुड़े गिरी है साहब जी बिस्कार तुझो दिन मस्ते के छुट छुपे से इस्तेमाल कर दो इसमें बिजली में बिल आते हैं ना पानी के बिल इस्तेमाल करें आने शुरू हो जाए फिर हम देखते पानी किस तरह इस्तेमाल कर बे तेरे बाहर क्या जाना दिल लापरवाही सवाल न जवाब कतरा ची छू जाया बेस पी हो सकते एक हजार साल तुझे एक कतरे पे खड़ा रखे तुझे लाखों कतरा तू ऊपर बेदरे इस्तेमाल कर रहे हैं छोड़ा हुआ है और नीचे गरीबों को पानी कोई नहीं ऐसे घराने भी मैं जानता हूं जहां पर महीना महीनों के पानी को तरस गए ये लोग रात को पता नहीं किस टाइम जब कोई कोई ट्यूटी बंद होती है तो जाके उनको पानी आता वो सुबह उसको जनाब क्या करते हैं वो रखते हैं जनाब वो जमा करते हैं वजह ऊपर वाले के बेदरेगी के साथ इस्तेमाल करते हैं और बेइंसाफियां बड़ा पाइप छोटा पाइप इंची दो इंची एक इंची और जनाब जिसका जो ताकत जिसकी लाठी उसकी बहस वाला चक्कर है यहां पर भी तो ईमान ही ना ये ईमान पर अमल हुआ है आया स्नीम ने ईमान ये सुन रहे थे बाप के यार जो लोगों को मिल रहा है वो मुझे दे दो बात खत्म लोगों को इंची जा रहे मुझे इंची दो आधी इंच जा रहे आधी इंच दो तो ये क्या बात हो कि मुझे ज्यादा दो तू कोई भाई कोई खास बन जाए अली फरमाते के मेरे और उस मजदूर के मजदूरी बराबर होना चाहिए अली आपको अपने आप को लोगों के बराबर कर रहे और हम अपने आप को दूसरों से कुछ बड़ा कर रहे हैं भाई कौन बड़ा है भाई ये पानी सबके लिए है सब सब प्यासे मर जाए तू जिंदा रहे क्यों तेरी कौन सी खसूसियत है कि तू पानी ज्यादा तुझे मेरे और तू जनाब अयाशी करे और बाकी प्यासे तड़पे ये कौन सा ईमान है इंसाफ की तो बात है कौन सा ईमान है जो अभी तक तेरे दिल में है ये ईमान की निशानी है कि अगले को पानी के लिए तरसा दिया और तेरा जनाब इतना मोटा पैर लगा हुआ तेरे घर में ये सब साबित करती है कि हमारे दिलों में अभी ईमान नहीं उतरा भाई अभी ये बेईमानी है ये ईमान नहीं है ठीक है अच्छा था कि यहां तक ही अजीज को कि पैगंबर वुजू में आ रहा जो वुजू में आ रहा के वुजू आ रहा जो दो इंसान है नोरे बेट पा ताकि के छू के नो बुल पा रुड़ेगा अगर सबसे ही ना तो खैर देगा बेट पर जुड़वाई गई दे दे देखो मैं साइडी गई देखो बुल पा लाया बुजड़िया वो कतरे फिर उसी पानी में ही गए यहां तक वो एहतियात करके दिखाने वाला और तेरा और मेरा रसूल जिसका कलमा पढ़ के तू मुसलमान हुआ उसकी तो हालत ये है और हमारी हालत ये है कि अजीम नेमत इलाही पानी को बेदरे हम जाया कर रहे हैं बेदरे जाया कर रहे हैं साहब मैं इतने लोग इस कर्दों में पानी खत्म हो गया लोग खतरे खतरे के लिए तरस गए मुझे याद है वहां ने मैंने कहा था तुम्हें क्यामत के दिन वो मस्जिद थी एक मस्जिद मुझे नहीं पता चुका वो सारी ट्यूटियां टूटी हुई है पानी बह रहा है यार मैं कह रहा था ट्यूटी बंद हो रहे ट्यूटी बनाओ ये सब के सब कुछ बड़ों का है क्योंकि बड़ों को देखकर बच्चे क्या हो गए थे दिलेर हो गए बड़े ऐसा करना शुरू करने पानी बंद करना बच्चों में खुद ब खुद ये अदब आएगा ये तरबियत आएगी बच्चों में बेदरे छोड़ा हुआ है इसी तरह आगे और भी मसाइल है ये सब बेईमानी की निशानी ईमान की तो निशानी नहीं है अभी मैं कर दू आए दो महीने हो गए ठीक है तो यहां पे आगे अभी इसी दो महीने के अंदर मैं एक दोस्त के घर गया तो अचानक मेरी नजर उसकी मीटर पे पड़ी मीटर पे पड़ी तो मीटर रुका हुआ था मैं वजू करने के लिए आस्तीन चढ़ा के खड़ा था
वजू करने के लिए, तो अचानक मेरी नजर मीटर पे गई। यार मीटर रुका क्यों है? कहते मीटर खराब है। मैंने कहने दिन से खराब है, कहते हफ्ता 10 दिन हो गया। मैंने कहा आस्ते नीचे की, मैंने कहा मैं यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ता, जो तेरा मीटर बंद है और बिजली चल रही है, अब मैं तेरे घर की रोशनी में तो नमाज नहीं पढ़ू। मैं सोच या मत चलो, सोच वजू कर आएंगे आप, क्या कर रहे तुम? और आज ही की बात है, आज ही की मैं घर में जाके खाना पका रहे थे, हीटर पे, मैंने कहा हीटर मीटर पे चल रहा है कि नहीं चल रहा? अगर मीटर पे चल रहा है तो मैंने इसकी चाय नहीं पीनी ना खाना खाना, ये आज की ताजा मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं जी मीटर पे चलता है। फिर मैंने वहां पे एक चीज तो मुझे बचाया, यार मीटर पे नहीं चल रहा, वो खाना हराम है, वो चाय हराम है, जो तुम मीटर से हटके जना कुंडा लगा के जो चाय बनाते हो, ये बेईमानी है। कोई दासन ईमान नतीस जबकि ईमान बप पर उसके अजू ईमान मबप फन हैवान है, जो जानवर है, जो चिले से हरा के हरा रहे, पुष्प देख ले, पानी जाया कर रहे, कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, कितना अजीम गुनाह कर रहे हैं। अच्छा वाली साहब क्या है काचो ज्यादा पड़े तो ये क्यों नहीं खोसे ना, क्यों छू गिलास्ते यू गांधी तो लोगों से बैठ भैया की वजू सो छो ये वजू सो मसो से लिखा सो बताना वाला ते पे को हम फुटता से अपने वजू में जरूरत को चियो, जरूरत को चियो ले जब खतरा सुन निकली वजू सो और खुदा जो उसका क्या खिले वजू कबूल इन इन मतलब लौटा खे वजू जी का जाया पे मकसद को चीन आखिर ईमान पर बस मेरे रिस्क मैं अयाम अयाम अजा और सही तस्कर उस हुसैन का तस्करा है जिसने क्यामत तक ईमान को बचाया, दीन को बचाया। और खुसूसन मैं इन जवानों को कहूंगा, जवानों अपने आप को बदल लो, आज आपके पेशवा अली अकबर का तस्करा है, उस जवान का तस्करा है, ईमान की इस बुलंदी पर है, इस दर्जे पर है कि जब करबला पहुंचे ये लश्कर 2 मुहर्रम को, थका हुआ काफिला खेमे लग गए और मौला अपने खेमे में आराम फरमा रहे, यह कह आपने आंख खोली फरमाई इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो जनाबे अली अकबर ने बड़ा कहा बाबा करने इस्तेजा की तलावत क्यों की? और मैं बेटा भी मैंने एक मुनादी की निदा सुनी कि ये काबला मौत की तरफ बढ़ रहा है, एक जुमला फरमाया काश ये जुमला हमारे दिलों में उतर जाए, हमारे सीनों में उतर जाए, हमारे दिलो दिमाग में उतर जाए और हम इसके खुद पाबंद हो जाए। और मैं बाबा हम हक पर है कि नहीं, हम हक पर है कि नहीं? फरमाया बेटा हम हक पर है। तो फरमाया बाबा अगर हम हक पर है तो फिर कोई परवाह नहीं, मौत हम पे आई या हम जाके मौत पे गए। पाक और पाकीज़ा किरदार, खूबसूरत किरदार, यहां तक शबीह है पैगंबर। कहते जनाब किस चीज में शबीह? अशबहुन्नास खल्कन व खुल्कन व मंचकन, जब बोलता है तो ऐसा लगता है कि रसूल बोल रहे हैं। शकल देखो तो शबाहत में रसूल अल्लाह, गुफ्तगू में रसूल अल्लाह। इतना पाकीज़ा जवान और जवानी इतनी पाकीज़ा रखो जवानों अपनी जवानी को। अली अकबर आपके पेशवा हैं, अली अकबर आपकी इमाम हैं और 18 साल और करबला के मैदान में ऐसे वक्त में उतरा जब तमाम असहाब शहीद हो चुके थे और जवाना ने बनी हाशिम में ये के बाद दिगरे आके जामे शहादत नोश फरमा रहे थे, उस वक्त जनाबी अली अकबर अपने बाबा की खिदमत में पहुंचे। फरमाया बाबा या मारे इस जहाज शब्द जवान बोर गस के अति नाम मौत इजाजत देनी है। मौला से कसर बिन उसकी अकबर
जवान वो अमना मोद इजाजत देगी कुछ जवाब ममीज गोस दिलवाला जनाब अकबर इन सवाल से बहसी अमीर कसर क्यों हस के मैदान माशरी नू जनाब जानस याला सवाल बेदन दे उमे लेना ले उमे लेना इजाजत खिदमत इजाजत जुलजनाए का सवार सोस मक्कर डोला रवाना सोस सिर से तू सोस ना जनाब याले अकबर से क्या प्रभाव सुता ने चित्त में कि बाबा क्या प्रशांत से दिलस कर जब वर में सब यागिर जाचा से नियत के दिवाला मरा से कसर जो उसनी नीली के उत अकबर याना का जवान बुरे सुना मुझे के परबस क्या दिल दे के गच्चे बंदर अजादारों अकबर मैदान में चले एक बड़ी अजीम चंद की लाशों पे लाश गिरने लगे हर तरह से अलहमान वर हबीस की आवाजें बुलंद होने लगी न जाने क्यों एक दफा हुसैन के दिल में तमन्ना पैदा हुई काश के मैं अकबर को जिंदा देख लूं फिर मैं लेना के खेमे में गए कसर जो सुनने लेना मरे मरा पीछे न को से अंग दुआ को सदर लेना दुआ दे सिंह अकबर लो से शाह सुंदर है माँ की दुआ कबूल हुई अकबर जिंदा वापस आए एक सवाल किया बाबा आया कतरा पानी मिल सकते बाबा फरमाया बेटा कबर अपने सवाल मेरे मुंह में रख शायद तुझे तसल्ली मिल जाए अरे अकबर ने अपनी जबान बाबा के मुंह में रख दी फौरन खेल के कहा बाबा मुझे माफ करना बाबा तू तो मुझसे भी ज्यादा प्यासा है फरमाया बेटा लेख बर दूसरे मत बजरा मैंने अकबर मैदान में आए बस आज ने जुमले इतवासदा वो वक्त भी आया जब शबी है परम वजीर पे संभल लगा कबला के जमीन पे गिरा तो पहले तो बाबा को सलाम किया और दूसरे कहा बाबा फिक्र न कर बाबा बाबा सके हाथ को सने मुझे हाथ को सौ पिला दिया बाबा हुसैन खेमे से चले अकबर के रास्ते पहुंचे क्या देखा जवान बेटा सीने में पर्चे एरिया लगा रहा है और दम निकल रहा है अरे अकबर के रास्ते पे अपने आप को गिरा दिया अरे अकबर के नुकसान पे अपना नुकसान रखे जुमला पर पाया या बुलैया ओ मेरे लालिया के बने बेटा तेरे बाकी देखी तमन्ना खत्म हो गई है।